हेलो, आप देख रहे हैं अंजीव सिंह और मैं आपका अंजीव कुमार सिंह। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन लाया हूं, चैप्टर लाइन एंड एंगल्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। साथ ही साथ हमें क्या करना है, शो करना है। और क्या करना है हमें, शो करना है। क्या शो करना है? सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तीन चीज हमें पता करना है, वैल्यू वन, वैल्यू टू एंड ये बताना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। अब आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में हम ये मान लेते हैं, पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये देख के कि यह एक लाइन है, इस पर एक दूसरी रे इससे एक्सटेंड हो रही है, एक रे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल्स हो जाएंगे और इनसे हम एक्स की वैल्यू पता कर लेंगे। चलो, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये एक लाइन है, इस लाइन को ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब एक लाइन को दूसरा लाइन इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती है, तो हमें जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इससे हमारा वाई पता चल जाएगा। फिर हम देखेंगे कि आगे सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन देखें, हमारा सॉल्यूशन क्या है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें इसका रीजन क्या लिखना होगा, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पेयर एंगल बन गया। तो आइए अब इसमें हमें एक्स की वैल्यू पता करना है। तो एक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड की रख ले और 50 डिग्री को राइट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे। और क्योंकि ये +50 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -50 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 130 डिग्री। यानी कि फाइनली एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 130 डिग्री। क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 130 डिग्री। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1। आइए अब वाई की वैल्यू पता करें। इस फिगर को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। अब हम y की वैल्यू पता करते हैं कि y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको भी बताया था कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो y इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 130 डिग्री, और इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। और यहाँ रीजन क्या डाल देते हैं, वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। तो अब एक्स एंड वाई पता है, एक्स की वैल्यू क्या है 130, वाई की वैल्यू क्या है 130। तो क्योंकि इक्वेशन हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम देखें, तो हमें क्या मिलता है, वी गेट एक्स इक्वल टू वाई। अब क्योंकि यहां पे एक्स इक्वल टू वाई है, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी। अब ए बी पैरेलल टू सी डी कैसे, इसका रीजन भी लिखना होगा। इसका रीजन क्या है कि इफ अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, देन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। आपका सॉल्यूशन तैयार है। आपने ये बता दिया कि ए बी पैरेलल है सी डी के। आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली, आपने वाई की वैल्यू निकाल ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।